हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी जियो डाटा वाउचर में रिडीम करने में प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप अपने जो वाउचर है उसको रिडीम कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जो रिडीम नहीं हो पा रहा आपके जो वाउचर है। मुझे भी सिमिलर प्रॉब्लम आ रही थी, जब भी मैं अपने वाउचर को रिडीम करने की कोशिश कर रहा था वो रिडीम नहीं हो रहे थे। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा वो आपसे शेयर करूँगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका रीज़न क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले इसका रीज़न क्या हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको वाउचर के रिलेटेड आपकी जियो ऐप में, तो इसका रीज़न ये होता है कि आपने जो सिम है उसमें आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया और आप हॉटस्पॉट लेके आप जो वाउचर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसको यूज़ कर रहे हो। जब भी आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाए और तब आप जो वाउचर को एक्टिवेट करने की कोशिश करो, तो ये प्रॉब्लम तो ये एक्टिवेट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कॉल कर रहे हो या फिर वाउचर यूज़ करो उसके लिए आपको जो वैलिडिटी होना ज़रूरी है आपके सिम कार्ड में। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस वाउचर को यूज़ करें तो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करवानी पड़ेगी अपने सिम कार्ड में माई जियो ऐप से, वहाँ पर एक पैक डलवाना पड़ेगा जिससे आपकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि बिना वैलिडिटी के आपके जो ये वाउचर हैं वो वर्क नहीं करेंगे। अगर आपने एक्टिवेट कर भी लिया है उसके बाद आपकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो ये कभी भी वर्क नहीं करेंगे, आपका इंटरनेट चलेगा नहीं। क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुका हूँ, मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, अगर वैलिडिटी है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो सर्वर डाउन हो जाएगा, कभी सर्वर डाउन हो जाता है और जो अंडर मेंटेनेंस भी होता है इसका सर्वर, तो आपको कुछ देर बाद ट्राई करना है या फिर आपको जो इग्निटो मोड में चला के ट्राई करना है। और एक और रीज़न भी है कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने कस्टमर केयर से कॉल पे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अनरीचेबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।